ट्रांसफर की बात हुई काया स्मृति के या सेलुलर ट्रांसफर की बात जैसे करी तो इसमें गुरु शिष्य के जो संबंध होते हैं वो बहुत रसमय है। भगवान बुद्ध के टाइम में महाकश्यप की बात करें तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो मैं बोल के दे सकता था वो मैंने तो दे दिया, लेकिन जो अनकहा है, जो बोला नहीं कर सकता, वो आज मैंने महाकाश कश्यप को दे दिया। नहीं, देखिए, ये जो ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन, उसको सही वर्ड है अगर हम कहें तो, ट्रांसमिशन तो पॉसिबल है, लेकिन हम ये देखें इतिहास में जो ये गुरु और शिष्यों के बीच ट्रांसमिशन की घटना घटती है, ये बहुत कम है। अगर हम रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद का उदाहरण भी लें, जो कि बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, तो रामकृष्ण के जीवन में तमाम शिष्य थे, लेकिन एक विवेकानंद ही उस ट्यूनिंग में आए जिनके लिए वो कह सके कि मैंने कुछ ट्रांसमिट किया, मैंने कुछ ट्रांसमिशन किया। किया शब्द जो है, मैं समझता हूँ ये केवल भाषा का एक गेम है। एक खास सर्टेन स्टेज में वो ट्रांसमिशन घटता है। अब ऑब्वियसली ये डीपेस्ट लव की इवेंट तो होगी ही, गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भी एक डिवाइन रोमांस है, डीपेस्ट लव है। तो कभी दो लोग इतनी हार्मनी में आ सकते हैं कि वो ट्रांसमिशन घट जाए, क्योंकि शरीर और मन की अगर बात देखें, वो हैं तो यंत्र ही हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ही, तो वो जो यंत्र है, वो यंत्र जब एक ट्यूनिंग में लाया जाए या वो कॉस्मिकली आ जाए, उसकी अपनी एक कॉस्मिक डेस्टिनी हो, तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं बेशक। अब मेमोरी तो ट्रांसफ़र होती है बेशक, लेकिन देखा जाए कि मेमोरी कहाँ, मतलब हर जगह तो ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, हर उस चीज़ में तो नहीं चली जाती, हर ऑब्जेक्ट में तो नहीं चली जाती। अब जैसे सेमी प्रेशर स्टोन ही हैं, तुम देखो तो उनकी जानकारी भी तुमको है, और एक खास तरह का पत्थर, क्या नाम उसका है जो गोल्ड को ले लेता है, शुंगाइट। अब एक देखिए, सेमी प्रेशर स्टोन है शुंगाइट, उसको गोल्ड के पास रखें तो वो उस स्टोन की अपनी एक क्वालिटी है कि वो गोल्ड के जो अक्ष है उसको अपने अंदर खींच लेता है और वो गोल्डन हो जाता है। है तो पत्थर, लेकिन गोल्ड के साथ रखें तो उसके ऊपर गोल्ड चढ़ जाता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा भी वो चढ़ जाता है कि पीला ही दिखने लगता है, यानी कि लगता है जैसे आपने उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया है। तो अब ये घटना देखा जाए, हर स्टोन के साथ तो नहीं होती कि आप कोई भी स्टोन गोल्ड के साथ रखें और उनकी इतनी आपस में ट्यूनिंग हो या जो भी प्रोसेस हो जिससे वो कलर एक दूसरे के ऊपर चला जाए। तो इसी तरह से देखा जाए, जो ये घटना पॉसिबल है, तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं बॉडी माइंड के जो इतनी रिसेप्टिविटी और इतनी हार्मनी में आ चुके हैं कि उनके बीच एक ट्रांसमिशन घटे, वो पॉसिबिलिटी है। अब जब ये कहते हैं कि जैसे कई मास्टर ये बात कह देते हैं 70%, 80%, 90%, 100%, इस तरह की लैंग्वेज भी आती है, उस लैंग्वेज को भी मैं इनकार नहीं करूँगा, वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके इस चीज़ का पता लगा सकते हैं और हमको दिख सकता है उस वक्त के साथ कि इतना ट्रांसमिशन हुआ जा रहा है इस उस शरीर मन की घटना में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और मुख्य चीज़ तो इसमें देखें, जिसको हम ह्यूमन इमोशन में प्रेम की घटना कहते हैं, इसीलिए उसकी इतनी कीमत है। यानी कोई केवल इसलिए जाए कि हमको बस ट्रांसमिशन चाहिए, बस गुरु की उंगली खा जाएंगे और ज्ञान आ जाएगा, तब तो फिर गुरु का शिकार करना पड़ेगा। शिष्य लोग बैठे हुए हैं घात में, कब गुरुजी मरें या उनको मारें और खाएं उंगली या जो भी
किडनी और लीवर उनका, और हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाए, तो ऐसा तो नहीं आएगा, आया भी नहीं आज तक किसी के अंदर। लेकिन गहरे प्रेम में आप देखें, ये घटना तो रोज पे रोज घटती है और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है कि जब भी आप हम गुरु या किसी के भी गहरे प्रेम में होते हैं तो हम कुछ ऐसे सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं कि हम उसके तमाम चीज़ों को अपने अंदर जानने लगते हैं, हम उसकी चीज़ों को समझने लगते हैं, हम बिना किसी तर्क या बिना किसी मीडियम के उन बातों को हम पूरी तरह से जान पाते हैं, एक्ट कर पाते हैं उन बातों पे। लेकिन इसी प्रेम को अगर हम और गहरा और निर्दोष और ऊंचाई की तरफ ले जाएं, तो निश्चित ही फिर वो हार्मनी, वो सिंक्रोनाइजेशन, वो रेजोनेंस बिल्कुल घट सकता है। तो ये काइंड ऑफ रेजोनेंस है या सिंक्रोनाइजेशन है जिसकी पॉसिबिलिटी पूरी है, लेकिन वो दो लोग ऐसे उसमें होने चाहिए। तो इसीलिए जहाँ कहीं भी इतिहास में भी ये घटना घटी है जिन गुरु और शिष्यों के बीच में, तुम इतिहास के पन्ने पलट कर देखोगे, उनका अनन्य प्रेम और अनन्य समर्पण था। समर्पण कभी इसलिए नहीं था कि ट्रांसमिशन चाहिए भाई हमको, यानी कोई फिर आए, किसी को एक कहानी पता चल जाए कि हाँ तो ठीक है, फिर समर्पण से ट्रांसमिशन होता है तो हम पूरा समर्पण करेंगे, गुरुजी जो बताएंगे करेंगे, वो कहेंगे सच से कूद जाओ तो कूद जाएंगे, ये कहो तो वो करेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन चाहिए, उसके बाद हमको वो पोजीशन चाहिए, वो गुरुडम चाहिए। जिन लोगों को भी हुआ उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, इतिहास गवाह है इस बात का, ना उनको ज्ञान चाहिए था, ना उनको गुरु होने की कोई चाह थी, वो तो बस एक प्यास में घूम रहे थे, किसी खोज में थे, लेकिन अस्तित्व ने वैसा घटा दिया तो घटनाएं घट गई। इवन विवेकानंद के उदाहरण को भी समझो, जो कि बिल्कुल हिस्टोरिकली सबके सामने है, लोग उसको जानते भी लिटरेचर में, कि विवेकानंद तो एक खोजी थे, सीकर थे, पूरी तरह से वो जैसे कहते सत्य की खोज में निकला हुआ कोई सीकर हो, उस तरह के व्यक्ति थे, युवा थे। ये तो उनको प्रचार में, बातें आगे पहुंचाने में रामकृष्ण परमहंस जी ने फंसा दिया, उनकी इच्छा तो नहीं थी। आज हम विवेकानंद को इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से सामने रखा और डिस्प्ले अच्छा किया, लेकिन ये उनकी कोई इंट्रिंजिक डिजायर नहीं थी। ये इंट्रिंजिक डिजायर नहीं थी कि भाई हम इसलिए रामकृष्ण परमहंस के पास जा रहे हैं या इसलिए हम उनके भक्ति भावना में हैं या उनकी सेवा में हैं कि हमको ये सब चाहिए। ये तो गुरु ने आदेश दिया तो उन्होंने कर दिया। आप सोचो अगर वो इतने अनन्य समर्पण में थे कि रामकृष्ण ने कहा तो कि जाओ किसी झोपड़ी में बैठो जाके किसी गुफा में, कहीं किसी से कभी मिलना नहीं, तो कभी किसी से नहीं भी मिलते, इतनी वो उनकी बात मानते थे, तो दुनिया कभी जानते ही नहीं कि भाई इस टाइप का कोई व्यक्ति भी हुआ था। लेकिन वो एक कॉस्मिक रोल था जो सामने आ गया लोगों के। तो इस चाहत से कोई चले कि हम भी कल को ऐसे बन जाएंगे तो वो घटना नहीं घटने वाली। ये तो दो लोगों के अनन्य प्रेम के बीच में घटना घटती है जिसमें कोई चाह नहीं होती, कोई डिजायर नहीं होती। My question here is कि ये जो घटना घटी, is it a personal event or is it a impersonal event? Actually, whatever happened, it is entirely impersonal, but it seems as if it is personal. It seems because expression is always personal, but the fundamental event is always impersonal. So, event is never personal. Transmission is never personal. Transmission is from the life force to life force.